Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Surbhi Shivastav and I am representing True Trial. So guys, आज हम लोग अपने controversial topic के बारे में बात करेंगे, जो कि है खान सर. जी हाँ, ये वही खान सर हैं जो खान सर GS वाले नाम से YouTube पे famous हैं. तो मैं अब आपके इनके background के बारे में बताती हूँ और बताती हूँ कि किन विवादों से या चर्चा में आए हैं. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि किन विवादों से ये चर्चा में आए हैं. तो ये अपने नाम को लेके विवादों से घिरे हैं. कहा जा रहा है कि इनका नाम असल में फैजल खान है और एक तरफ कहा जा रहा है इनका नाम अमित सिंह है. तो ये अपने नाम को लेके विवादों में आए हैं. अब मैं आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ. तो जी, खान सर पटना के रहने वाले हैं. खान सर मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं. खान सर का असल नाम सुनने में आया है कि फैजल खान है. ये पटना के यूपी के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं. इनके फादर जो है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और इनके ब्रदर, इनके भाई भी आर्मी ऑफिसर हैं. तो जो खान सर हैं, इनका भी अपने देश के प्रति कुछ करने का या कुछ योगदान देने का मन था, इसीलिए इन्होंने भी एनडीए की परीक्षा दी और एनडीए की परीक्षा में वो उत्तीर्ण रहे, लेकिन वो फिजिकल में नहीं क्लियर कर पाए. इसलिए उन्होंने सोचा कि वो किसी तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करें. इसलिए इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है खान GS रिसर्च सेंटर. इस यूट्यूब चैनल में ये लाखों से करोड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं और इनकी जो फीस है, जो इन्होंने जो पटना में कोचिंग खोल रखी है, उनके पटना की कोचिंग की फीस मात्र 200 रुपए है. तो ये किसी ना किसी तरीके से जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं या जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर किसी वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी मदद करते हैं. तो मेरे नज़रिए से तो खान सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी शिक्षक को उनके धर्म और जाति के नाम पर उन्हें विवादों में लाया गया है. उन्हें उनके धर्म को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया है. क्या ये सच, क्या ये सही है? हमारा इंडिया, हम मानते हैं हमारा इंडिया एक सेकुलरिज्म कंट्री है, लेकिन फिर भी किसी एक शिक्षक को उनके धर्म के नाम पर उनसे सवाल किए जा रहे हैं और उनसे फोर्स किया जा रहा है कि उनका असल नाम क्या है. शिक्षक चाहे जैसा भी हो, क्या हम शिक्षक के नाम से हम लोग पढ़ाई करते हैं? नहीं, हम पढ़ाई जो करते हैं वो उनके जो हमें शिक्षा देते हैं, हम उससे पढ़ाई करते हैं. तो ये रहा खान सर के बैकग्राउंड की बात. अब मैं बताती हूँ कि खान सर जो असल बात के लिए क्यों चर्चा में आए. खान सर सोशल मीडिया पे अपने वीडियो को लेकर चर्चा में आए थे और 24 अप्रैल को उनका यूट्यूब पर एक वीडियो आया था जिसमें वो पाकिस्तान और फ्रांस के बीच जो विवाद चल रहा है उसको अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे थे और वहाँ पे जो पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है फ्रांस के खिलाफ उसको समझाते हुए उन्होंने अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर दी जिसमें एक बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा था. तो वो अपने स्टूडेंट को समझाते हुए बोले कि ये बच्चा जो रैली में प्रोटेस्ट कर रहा है उसे ये भी नहीं पता है कि फ्रांस के राजदूत होते क्या हैं और बड़ा आया ये फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से भगाने वाला. क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है कि ये शब्द है क्या, ये क्यों हम यहाँ खड़े हैं, तो वो क्या भगाएगा. समझाते हुए वो अपने स्टूडेंट को समझा रहे थे और उन्होंने बोला कि अगर ये ऐसे ही करता रहा तो वो इन फ्यूचर, मतलब वो फ्यूचर में क्या करेगा आगे, अगर वो ऐसे ही करता रहा तो इन फ्यूचर वो भी मीट काटेगा और वो भी पंचर ही बनाएगा. इस बात को लेकर वो विवादों में. एक्चुअली में जो खान सर ने स्टेटमेंट दिया है उनका समझाने का तरीका है, वो किसी भी टफ चीज को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी है. उन्होंने किसी जात या किसी धर्म को पॉइंट आउट नहीं किया है. अगर कोई इसे मजहबी में बांट रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है. खान सर बस अपने स्टूडेंट को समझा रहे थे. तो खान सर ने अपनी स्टेटमेंट को क्लियरिफाई भी किया है. वो कई न्यूज़ चैनल में आए और उन्होंने बताया कि उनका कहने का मतलब क्या था. तो कई न्यूज़ चैनल में आते हुए उन्होंने समझाया कि वो किसी धर्म या जाति के नाम पर उन्होंने आज तक कभी नहीं बोला. वो केवल इंडिया को प्रेफरेंस देते हैं, वो हमेशा इंडिया को ही प्रेफरेंस देंगे. अगर लोग उसे धर्म और जाति के नाम पर बांट रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो क्या वो केवल मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, या कोई भी हिंदुस्तान की बात करता है तो केवल हिंदुओं के लिए बात कर रहा है. अगर ऐसा आपको लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है. खान सर ने अपने स्टेटमेंट को क्लियरिफाई भी किया और उन्होंने बताया कि ये विवाद उनके इस 24 अप्रैल के वीडियो से नहीं आया था. ये पहले से खान सर नाम का जो टाइटल है वो बहुत पहले से चला आ रहा है. लगभग 4 साल से ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत पहले से इनका ये टाइटल चला आ रहा है. इसे अब उछाला गया है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इस पर खान सर ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद चल रहा है उस पर कई वीडियोस बनाए और उस वीडियो में बताया कि इंडिया क्यों फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, इसराइल का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, बल्कि इसराइल इंडिया की बहुत मदद करता है, बहुत साथ देता है, तो इंडिया क्यों फिलिस्तीन का साथ दे रहा है. तो इस पर
लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि खान सर क्यों इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों वो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, पर खान सर ने इस पर इंडिया का स्टैंड बताया। उनके खुद के व्यूज हैं, राइट टू स्पीक का अधिकार सबको है, अगर किसी को इस बात से आपत्ति हो रही है तो ये उसकी सोच है। बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर इतनी जल्दी फेमस हो गए हैं खान सर, और वो इस वजह से क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट है, बच्चों को इनके पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, ये किसी भी टफ चीज़ों को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा देते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हिंदी मीडियम में आकर उन्होंने UPSC के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, क्यों? क्योंकि खान सर अच्छी बहुत ही ईजी तरीके से समझाते हैं। और खान सर ने कभी भी आज तक पब्लिसिटी स्टंट अपने सब्सक्राइबर के लिए नहीं किया है। बस एक बात से सहमत नहीं हूँ कि जब से ये विवाद हुआ है तब से वो कई न्यूज चैनल में आए हैं और उन्होंने बोला है कि अगर उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो अपने नाम का रिवील कर देंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है, आप अपने स्टूडेंट्स को लालच दे रहे हैं कि आपके नाम जानने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मैं इस बात से असहमत हूँ। सो गाइस, इंडिया एक सेकुलर देश है, अगर इस देश में आप किसी को धर्म या जाति के नाम पर जज करते हैं तो बहुत ही गलत बात है। आप किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति या धर्म के नाम पर आप विवाद नहीं छेड़ सकते हैं। तो इंडिया जो धर्म निरपेक्षता की राह पर चलता है, आप भी उस राह पर चलिए, किसी को धर्म या जाति के नाम पर मत बांटिए। ये मेरी राय है, ये मेरा व्यूज था। जो आपका व्यूज है आप कमेंट बॉक्स में उसे बताएं। अब मैं आपको पिछले सेशन के जो दो क्वेश्चन बताए थे उसका आंसर बताती हूँ। तो मेरे पिछले सेशन का जो क्वेश्चन था वो था कि किन किन जजों के समक्ष ट्रिपल तलाक का निर्णय लिया गया, वो कौन से 5 जज थे। तो मेरा आंसर है, पहला चीफ जस्टिस केहर, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस नरीम, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अब्दुल नाजीद। ये 5 जजों के समक्ष ट्रिपल तलाक का निर्णय लिया गया था। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ट्रिपल तलाक को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया या नहीं। तो हाँ, ट्रिपल तलाक को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया। और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है कि अगर इस ट्रिपल तलाक से रिलेटेड कोई भी केस होता है तो पुलिस बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिसके विरुद्ध विक्टिम केस लेकर आया है। तो मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहा। सो गाइस, अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।